안녕하세요. 인노바레. Good morning. Let's go to shower. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, तमाम मेरी यूट्यूबर फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। हम पूरी फैमिली की तरफ से हम तैयार हो रहे हैं ईद के लिए और आपको लेकर चलते हैं मस्जिद अपने साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आई एम गोइंग टू मस्जिद। इससे पहले मैं कभी नहीं गई ईद की नमाज़ पढ़ने, एंड लेट्स सी ये कैसा रहता है। वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो We are ready to go to the masjid. Hey kids, where are we going? To the masjid. Okay, let's go. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Okay, Anya, repeat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. My God, nice, cute, pen lo. Purse bhi hai, acha hai. आप कितनी सारी गाड़ियां हैं, पार्किंग फुल है। हालांकि हम टाइम से आए, नॉट दैट लेट, बट स्टिल वी कैंट फाइंड पार्किंग। सो मेनी पीपल गोइंग टू द मस्जिद। थैंक यू। अल्लाहु अकबर वा इल्ला इल्हम अल्लाहु अकबर So how crowded it is, right? Let me show you the crowd of men. तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हमने पढ़ ली है और अब टाइम है फूड का। फूड में भी इतने आइटम्स थे, एज यू कैन सी आई जस्ट रिकॉर्डेड सम ऑफ देम। मस्जिद में आई फर्स्ट टाइम, इतना अच्छा लगा, इट वाज सो सेटिस्फाइंग। वाकई वहाँ जाकर ईद की फीलिंग्स आ रही थी, पता चल रहा था कि आज ईद मुबारक है। खाने में इतने सारे आइटम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के लिए बहुत सारी स्वीट डिशेज थी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्यों नहीं कुछ बना कर लाई, मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए था इसमें। चले नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह। पाकिस्तान में तो बहुत सी मस्जिदें देखी होंगी और ईद की नमाज़ें भी देखी होंगी। आज मैं आपको अमेरिका की मस्जिद दिखाने लगी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, कितने सारे लोग माशाल्लाह से आए हुए हैं। और बस इतनी बड़ी कम्युनिटी को जोड़ना आसान बात नहीं है, इतने सारे लोगों को जमा करना इट्स नॉट दैट ईजी, और फिर इतना सारा फूड प्रिपेयर करना दैट्स रियली अ वेरी बिग टास्क।
इतने मज़े मज़े की स्वीट डिशेस थी, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर खा ली थी। घर आकर हमें बिल्कुल भूख नहीं लगी, तो हमने काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ पर फूड के लिए लाइंस लगी हुई हैं। ये बर्फ़ी तो बहुत ही मज़े की थी, और बच्चों के लिए आइसक्रीम्स थी, बच्चों के लिए लेस के पैकेट्स थे, बलून्स थे, बच्चों के लिए भी बहुत सारी ट्रीट्स थी, एंड आई एंजॉयड अ लॉट। और सिर्फ इंजॉय करने की बात भी नहीं है, पता चल रहा था कि वाकई आज ईद है। सुबह सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना और फिर बच्चों को मस्जिद लेकर जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अब्रॉड में रहते हुए। तो चलिए जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं और अब टाइम है बच्चों की ईदी का। क्या इनाया अपने कपड़े दिखा रही है, हनिया को दे दो। हनिया ईदी पहले इनाया, ये क्या बात है, पहले हनिया सबसे बड़ी है ना। चलो पहले हनिया आ जा। ईद मुबारक हनिया। ईद मुबारक हनिया। That's for you. That's your Eidi. Thank you. Rayan. Yay! You got it. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. That's for you. Eid Mubarak. Oh. Oh. That's for you. Baba ki. चलो मैं अपने बाबा से ले लूँ। And that's for you. Thank you. That's it. ये भी दे दो? No. चलो, it's okay. I got it. Now kitchen vibes. कितनी प्यारी प्यारी रौनकें हैं ना ईद की। अल्हम्दुलिल्लाह ईदियाँ हमने ले ली हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता मैंने अभी नहीं बनाया क्योंकि मैंने बताया कि हम मस्जिद में ही खा कर आ गए थे। आते ही मैंने लबेशीरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। शाम को है जी ईद मिलन पार्टी और हमने उसमें जाना है, और उसी के लिए यहाँ प्रिपरेशन हो रही है लबे शीरी की। अब बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, उनको मैंने 6 o'clock ही उठा दिया था, तो उनको हमने कहा चले उनको नैप टाइम देते हैं, वो थोड़ी देर सो जाएंगे और रात को जब हम ईद मिलन पार्टी में जाएंगे तो वो अच्छा सा इन्जॉय कर सकें। चना चाट मैंने रात में ही प्रिपेयर करके रख दी थी। लबे शीरी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छा सा गार्निश कर लेते हैं नट से और जेलीज के साथ। रेड कलर जेली नहीं थी आज मेरे पास, तो इसलिए मुझे लग रहा था थोड़ी सी प्रेजेंटेशन फीकी फीकी है। इसके बाद मैंने बनाए बच्चों के लिए पापड़। ईद का दिन है और बच्चों के हैं जी फेवरेट। खाना तो उन्होंने वैसे ही कुछ नहीं खाना होता, बहुत सारे लोग ईद सोकर गुजारते हैं, हमने बिल्कुल सोकर नहीं गुजारी, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने। बच्चों ने बस थोड़ी देर का नैप लिया था। किचन का काम डन करने के बाद, बच्चों को नैप देने के बाद हम चलेंगे जी ईद मिलन पार्टी पर, और आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह उसमें नेक्स्ट व्लॉग पर। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।